हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन गर्ल्स के लिए जिनकी ड्रीम है फौज में जाना या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF में जाना। तो वहां पर हम देखेंगे कि कैन ए फीमेल ज्वाइन राष्ट्रीय राइफल्स, क्या वो एक राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन कर सकते हैं। RR आपने सुना होगा, कुछ ऐसे टेक्टिकल गियर्स के साथ खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ में, दाढ़ी रखे हुए लंबे बाल वाले आपने देखे होंगे RR। और RR का जो नाम है, मैं आपको उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, यू नो ऑल अबाउट RR। RR एक अपने आप में एक ब्रांड है और आपने कभी कभी देखा होगा इन काले कपड़ों में या फिर ऐसे स्टाइलिश कपड़ों में खड़े होते हुए, और ये सिर्फ आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देंगे। अब आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में ब्रीफ करता हूँ, फिर उसके बाद फीमेल्स का आंसर दूंगा और कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर भी बताऊँगा। देखिए, राष्ट्रीय राइफल्स मीन्स क्या होता है, RR मीन्स होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। यहाँ पर इसके ऐसे सिंबल रहते हैं इनकी कैप में, पता कर लेना कि ये RR वाले हैं तो, और इनकी इसमें चेस्ट में ऐसे बैच रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर RR ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट्स मारने के लिए काम करता है। शुद्ध हिंदी में मिलिटेंट्स को ढूंढना और उसको अल्लाह के पास, अल्लाह तुल्ला के पास पहुँचाना RR का काम रहता है, ठीक है। और टाइमिंग होता है 72 घंटे की, 72 घंटे में पैक करके 2.5 फीट के अंदर गाड़ देता है, नहीं तो अल्लाह तुल्ला के पास भेज देता है, ठीक है। RR का काम यही रहता है और ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में ही ऑपरेट करते हैं और कहीं नहीं ऑपरेट करते हैं, ठीक है। RR में कुछ बहुत सारे यूनिट्स हैं। RR में कौन जाता है, देखिए RR में बॉयज तो जाते हैं, कौन जाता है, जो वॉलेंटियर एप्लीकेशन देता है किसी भी यूनिट से किसी भी ट्रेड में। अब ये बात नहीं आ जाएगा कि ये सिर्फ मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए बताऊंगा। मेल के लिए कि जैसे नर्सिंग असिस्टेंट हो गया या फिर कोई भी हो गया, GD हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, कोई भी वॉलंटियर एप्लीकेशन देता है अपनी रिकॉर्ड्स को कि मैं सर यहाँ पर नेक्स्ट पोस्टिंग RR में ज्वाइन करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर रिकॉर्ड में जैसे आपके लेटर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि आपकी मेडिकल कैटेगरी कितना है। मेडिकल कैटेगरी में अगर आप फिट हो, आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर वो आपको लेटर भेजता है कि इस RR में आपकी पोस्टिंग आएगा जब वहाँ पर वैकेंसी बन जाएगा। तो मेल्स के लिए तो RR आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपके काम रहेगा मिलिटेंट्स ढूंढना और उसको ख़त्म करना और अल्लाह तुल्ला के पास भेजना। अब बात यहाँ पर आ जाता है कि जब इंडियन आर्मी इतने सारे यूनिट थे तो इनको क्यों एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, क्या इंडियन आर्मी के सोल्जर सक्षम नहीं है क्या मिलिटेंट्स मारने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है, जो अपने रजौरी या पूंछ सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन आर्मी की यूनिट्स है, इन्फेंट्री यूनिट्स है, जो कि RR की तरह ही ऑपरेट करता है और मिलिटेंट्स मारता है। लेकिन इंडियन आर्मी के जो यूनिट्स है उनको और भी बहुत सारे परफॉर्म्स करना होता है, एक्सरसाइजेस करना होता है, बहुत सारे इवेंट्स करना होता है, बहुत सारे ट्रेड में उनको पढ़ाई करना होता है, एजुकेशन लेना होता है, नया नए इक्विपमेंट्स के बारे में करते हैं, तो एक सोल्जर्स वहाँ पर अलग सा माहौल में रहता है। तो RR एक ऐसा माहौल है जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका काम है उनको ढूंढना और 2.5 फीट के अंदर गाड़ देना, वो यही काम रहता है RR की। तो इसीलिए ये अपने आप में एक ब्रांड है और RR में अगर आपको कभी भी सर्व करने के लिए मौका मिले, प्लीज़ एक बार जाइए, वहाँ के जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा लाइफ में कहीं भी नहीं मिल सकता। वहाँ से आप सर्व करने के बाद आप बोलोगे ना किसी एक बंदे को, हाँ यार मैंने RR में सर्व किया तो साला मज़ा आ गया, जिंदगी था वो एक, मतलब वहाँ पर एक्चुअली आपकी जो फौज की लाइफ है ना, एडवेंचरस इंडियन आर्मी की लाइफ है, जिस वर्दी के लिए आप 1600 मीटर भागे थे वहीं पर मिलेगा आपको। तो प्लीज़ ज्वाइन करना RR। अब आते हैं कि फीमेल क्या RR ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसकी सीधी सी आंसर है नो, फीमेल RR ज्वाइन नहीं कर सकते। फीमेल में ऐसा कोई अभी इंडक्ट नहीं हुआ कि जो लड़कियाँ हैं वो RR ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो लड़कियाँ ही हैं, इनकी तो RR बैच है, किलो फोर्स तो RR में ही आता है, तो इन्होंने कैसे ज्वाइन किया। देखिए एक अकेला फोर्स है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम है, असम राइफल। असम राइफल एक ऐसा है, असम राइफल किस में आता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। और बाकी जो CAPF, CSF, BSF यहाँ पर भी जो लड़कियाँ हैं आपको कश्मीर एंड जम्मू में मिलेंगे, लेकिन वो RR की तरह काम नहीं करता। वो अपनी जो डेली टू डेली बेसिस पर सिक्योरिटी को मतलब मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी रक्षा करना, मतलब जम्मू में एयरपोर्ट में जाओगे तो बीच में आपको लड़कियाँ मिलेंगे CRPF के जो सिक्योरिटी चेक करते हुए, तो उनका काम है सिक्योरिटी जो है इंटरनल सिक्योरिटी उसको ध्यान देना। कोई मिलिटेंट्स के साथ वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट डील नहीं करते, डायरेक्ट टू डायरेक्ट डील मिलिटेंट्स के साथ सिर्फ RR करते हैं। जैसे ये लड़कियां किलो फोर्स की यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में RR की बैच लगाया हुआ है, सिर्फ असम राइफल में सोल्जर्स के साथ मतलब बॉयज़ के साथ गर्ल्स भी सर्व करते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स को भी मौका देता है क्योंकि ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है,
पैरा मिलिट्री फोर्स है, तो यहाँ पर इनको मौका दिया जाता है आपको आरआर में सर्व करने के लिए और डायरेक्ट मिलिटेंट के साथ डील करने के लिए। अगर आपको आरआर में सर्व करना है अभी तो आपको आसाम राइफल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आप कश्मीर पोस्टिंग जाके आप आरआर में सर्व करके डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हो मिलिटेंट्स के साथ। लेकिन अगर बाकी फोर्सेस में जैसे WMP हो गया, वुमेन मिलिट्री पुलिस हो गया, और बाकी जैसे एयरफोर्स ने भी का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और आरआर में सिर्फ इंडियन आर्मी की जवान ही सर्व करते हैं या फिर आसाम राइफल की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये, क्या इनको मौका मिलेगा आगे जाके? देखिए यहाँ पर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, मौका मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा तो बहुत टाइम के बाद मिलेगा। पहले तो इनको कॉम्बैट रोल में जो अग्निवीर है, जो मेल अग्निवीर है, उनको भी यहाँ पर आरआर के लिए बंद किया गया है। मेल अग्निवीर आरआर नहीं जा रहे, आरआर एक बहुत सेंसिटिव यूनिट है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की आपकी जरूरत है। ये नहीं कि आज आप भर्ती हो गए, ट्रेनिंग कर लिया और कल आप आरआर चले गए, ऐसा नहीं है। आरआर में बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी मैच्योरिटी चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेगा वहाँ पर। तो आरआर में जाने के लिए आपकी कुछ मिनिमम 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए, ये नहीं कि आज भर्ती हो गए कल आरआर चले गए, ऐसे नहीं है। 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और आप परमानेंट सोल्जर होना चाहिए, तभी आप आरआर जा पाओगे। तो फीमेल के लिए अभी फिलहाल ये बंद है, आगे खुलेगा नहीं पता। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बारे में मैंने आपको बताया, आसाम राइफल, ये अभी ज्वाइन कर सकती है। इसकी जो महिला है, आप ये श्रीनगर में पोस्टिंग होकर जम्मू एंड कश्मीर में सीधा ऑपरेशन वगैरह और आरआर फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आरआर फोर्स एक काउंटर इंटेलिजेंसी CI ऑप्स बोलते हैं, वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस 10,000 से 9,000 से लेके 30,000 तक एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलता है, डिपेंड करते हैं आप कौन से एरिया में पोस्टेड है। क्योंकि एक काउंटर इंटेलिजेंसी में आता है ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइम ऑपरेशन करता रहता है, खतरा रहता है, तो इनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस मिलता है। ऐसे कौन सी लड़कियां हैं जिनको आरआर ज्वाइन करना है, वहां पर नीचे कमेंट करें, और जो भी इंटरेस्टेड है आरआर में और कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को लाइक करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।